जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं Realme 9 Pro Plus वर्सेस Xiaomi 11 i का। मैं कंपेयर करके बताऊंगा फ्रेंड कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए कौन सा नहीं, पूरा डिटेल इसका मैं कंपेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इसका फ्रेंड अगर आपको डिस्प्ले बताऊं Realme 9 Pro Plus का, इसका डिस्प्ले फ्रेंड 6.4 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं पे हम लोग बात करते हैं Xiaomi 11i के डिस्प्ले के बारे में। इसका फ्रेंड डिस्प्ले 6.67 इंच का आपको फुल AMOLED HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट का साथ। यहाँ पे एक पॉइंट से अभी आगे चल रहा है Xiaomi 11i। अब बात हम लोग करते हैं फ्रेंड इसके कैमरे के बारे में। तो Realme 9 Pro Plus का कैमरा की अगर बात करते हैं, बैक कैमरा का, इसमें बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा और बात करते हैं Xiaomi 11i बैक कैमरे के बारे में, जिसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जो 108 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा इसका होगा। यहाँ पे भी एक नंबर और ऊपर जाता है Xiaomi 11i है, 2 अंक से भी आगे चलता है Xiaomi 11i। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड Realme 9 Pro Plus का फ्रंट कैमरा का, सेल्फी शूटर का, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और वहीं Xiaomi 11i में भी आपको 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी तक Realme 9 Pro Plus का अभी तक एक पॉइंट आया है और यहाँ पे Xiaomi 11i का अभी तक 3 पॉइंट बन चुका है। अगर हम लोग फ्रेंड Realme 9 Pro Plus का प्रोसेसर का बात करते हैं, तो Dimensity 920 ओटा कोर का प्रोसेसर 5G प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा। फ्रेंड दूसरी ओर अगर Xiaomi 11i का हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 920 5G प्रोसेसर आपको ओटा कोर को देखने का मिलेगा इसमें भी। और फ्रेंड Realme 9 Pro Plus में 2 वेरिएंट का फोन आपको देखने को मिलेगा, एक 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी एंड 8GB रैम और 256GB इंटरनल मेमोरी। वहीं दूसरी ओर Xiaomi 11i का हम लोग वेरिएंट का बात करते हैं, 6GB रैम 128GB इंटरनल में 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी आता है। यहाँ पे हम लोग बात केवल करेंगे 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी दोनों फोन में। Realme के अगर पावर बैकअप यानी बैटरी बैकअप का बात करते हैं फ्रेंड, तो 4500mAh की बैटरी बैकअप एंड 60W का आपको चार्जर इसमें देखने को आपको मिलेगा। वहीं Xiaomi का बात करते हैं Xiaomi 11i का, तो यहाँ पे 5160mAh की बैटरी बैकअप एंड 67W का फास्ट चार्जर आपको देखने को इसमें मिलेगा। अब फ्रेंड फाइनली बात आता है प्राइस का, तो हम लोग बात करते हैं Realme 9 Pro Plus के प्राइस का, तो 24,999 रुपया यानी 25,000 रुपया आपको लगेगा 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाले फोन का। वहीं बात करते हैं Xiaomi 11i के प्राइस का, तो यहाँ पे भी आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी का प्राइस पड़ जाएगा फ्रेंड 24,999 रुपया, यानी प्राइस के मामले में दोनों सेम है। दोस्तों Xiaomi 11i 4 पॉइंट से आपका यह विजेता बनता है। 4 पॉइंट कौन कौन सा फ्रेंड, इसका जो रिफ्रेश रेट था वो 120 था, यानी उससे Realme से ज्यादा था। इसका जो बैटरी बैकअप है वो इससे Realme से ज्यादा था Xiaomi का। इसका जो फास्ट चार्जिंग है Realme से ज्यादा था इसका Xiaomi का। और मेन बात आती है दोस्तों कैमरा का, तो कैमरा भी Realme से ज्यादा था यहाँ पे Xiaomi 11i का, इसीलिए 4 पॉइंट इसको मिलता है, उसको एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। और जो जहां जहां सेम था उसको हम गिने ही नहीं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन लेना बेस्ट होगा, क्योंकि प्राइस तो दोनों का एक ही है, 6128 का जितना आप लेते हैं, 25,000 इसका भी, 25,000 इसका भी। आपको तो अंदाजा लग गया होगा कि आपको कौन सा फोन परचेज करना है, कौन सा फोन आप परचेज कर रहे हैं, फिर भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों भाई सहपाठियों के पास शेयर करना नहीं भूले। समझ सकते हैं बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुशी खुशी आप बांटते रहिए। जय हिंद।